हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार स्टेटी का आज दिन भर का अपडेट, आज दिन भर जो कुछ हुआ है उस चीज़ को। तो आज पटना काफ़ी कैंडिडेट पहुँचे, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आज काफ़ी स्टेटी कैंडिडेट पटना पहुँचे। मीडिया में उनकी बाइट्स भी चली, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, अलग अलग मीडिया हाउसेज में काफ़ी स्टेटी कैंडिडेट्स ने अपनी परेशानी बताते हुए अपने बयान दिए हैं। पर किसी भी कंसर्न्ड अथॉरिटी से मीटिंग और मीटिंग के बाद कोई आश्वासन हो, उधर से कोई कंफर्मेशन हो किसी मुद्दे को लेकर के, ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं है। तो आज भी कैंडिडेट काफ़ी पटना में हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी और लोग पहुँचे यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी से कोई पुख्ता जवाब मिलता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में कोई कॉन्क्रीट जवाब आए, लेकिन अभी तक सिर्फ मीडिया में ही बाइट्स चल रही है एसटीटी कैंडिडेट्स की, जो लोग पटना पहुँच रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरा पॉइंट, कई ग्रुप्स में कई जगहों पर एक मैसेज घूम रहा है जिसको लोग संजय कुमार का मैसेज होने का दावा कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे कहीं पर संख्या 80,000 बताया, 80 के बताया जा रहा है, कहीं पर 180 के बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उनका मैसेज है और इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे के चरणों में मौका दिया जाएगा। पर उस चीज़ को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है कि वो मैसेज सच में उनका है या किसी ने क्रिएट करके उसको आगे बढ़ाया है। तो ये मैसेज चल रहा है, पर इस पर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि ऑडियो घूम रहा है, ऑडियो जिसका मैं लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, पहले आप ये वीडियो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा लिंक पे। ये कई चैनल्स ने डाल दिया है, पर उसको भी वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने चैनल पर नहीं डाला है, पर कई चैनल पर है, किसी एक का लिंक उठा के मैंने नीचे डाल दिया है कमेंट बॉक्स में। इसमें स्कैम की बात हो रही है, नंबर बढ़ाने की बात, इसमें इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि स्कैम की तो बहुत सारी कॉल है, पर ये कॉल अलग है। ये अलग इस मायने में है कि जब कंप्यूटर साइंस का पूछा जाता है तो स्कैमर मना कर देता है नंबर बढ़ाने से, क्योंकि उसे कहा जाता है कि कंप्यूटर साइंस का मामला तो पीछे ही ख़त्म हो गया। वो अभी हाल में जो साइंस, उर्दू, संस्कृत का जो तीन सब्जेक्ट का रिजल्ट जो अभी आया है, इनके नंबर बढ़ाने को तैयार है। तो अगर जो स्कैमर होगा जिसने पैसा ही लूटना है, वो कुछ भी करने को तैयार होगा, कुछ भी झूठा आश्वासन दे देगा, किसी को झूठा वादा कर देगा। लेकिन जब स्कैमर दूसरी तरफ से ये बात कह रहा है कि वो सिर्फ तीन सब्जेक्ट का कर सकता है, और कंप्यूटर साइंस का जब फोर्स करता है कॉल करने वाला, तो मना कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जेन्युइन सा प्रतीत होता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसको सुनिए और देखिए वो सही है कि नहीं। कई जगहों पर ये चीज़ घूम रहा है, कई चैनल पर ये पोस्ट हुआ है, कई ग्रुप्स में ये सब चल रहा है। ये हो गई एक बात। अब बात करते हैं कि कमेटी वाली रिपोर्ट कब आएगी। तो आज के अखबारों में आपने देखा होगा या और भी कई सोर्सेज से चल रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही रिपोर्ट आ जाएगा। कुछ लोगों में ये गलतफहमी है कि वो बहुत लंबा जा सकता है, रिपोर्ट सबमिट करने में ही महीनों का वक्त लग सकता है, पर ऐसा नहीं, अगले कुछ दिनों में इन लोगों ने ऑलमोस्ट मन बना लिया है, और मन क्या बनाया है वो भी काफ़ी लोग समझ रहे हैं। मुमकिन है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उन सबको मौका दे दिया जाएगा, ये जो मेरिट लिस्ट वेरिट लिस्ट वाला चक्कर ही हो सकता है कि ख़त्म कर दिया जाए, इस बात के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है, बड़े मीडिया हाउसेस भी इसे कवर कर रहे हैं, जो विपक्ष है वो भी सामने खुल करके आ गया है। तो कुल मिला के यही बात है कि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये लोग जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मुमकिन है कि सभी लोगों को अलाउ कर दे। पर यहाँ पर एक गड़बड़ी ये है कि अगर रिज़ल्ट जारी हुआ था तो कंप्लीट डेटा के साथ जारी होता, जो डेटा है वो भी थोड़ा सा अटपटा सा है। पहले जिस कई सब्जेक्ट में जो है सीटें खाली रह गई, कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन उसका कट ऑफ देखो तो बहुत ऊपर है, उसमें काफ़ी सारे अच्छा स्कोर करने वाले ही बाहर हैं। तो कई चीज़ें हैं जो अभी अटपटी हैं, ये कई सब्जेक्ट्स के अंदर है, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, कई सब्जेक्ट में ऐसे भी हैं। एक और मेरे पास किसी का स्कोर कार्ड है जिसमें ऐसा दिख रहा है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर था उतना मार्क्स ला करके एक कैंडिडेट नंबर वन पे, हालांकि वो फीमेल कैंडिडेट है, उसका मैं आपको दिखाऊंगा अगली किसी वीडियो में। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस रिज़ल्ट को लेकर के अटपटी लगती हैं। अभी देखना है कि बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग इसको किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि अब ये मामला इन लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि इसको हैंडल करना, इसको सॉर्ट आउट करना भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो जो मंत्री हैं या जो कंसर्न्ड ऑफिसर, चाहे आनंद किशोर हो या संजय कुमार हो, इन लोगों ने बहुत सोच समझ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था पहली बार सभी सब्जेक्ट का, तीन सब्जेक्ट को छोड़ करके, उस वक्त इन लोगों ने बहुत सोच समझ के पूरा डेटा शो करा के पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन आज के टाइम पे जब मेरिट लिस्ट तक आ गई है तब भी पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर किसी एक सब्जेक्ट का आप कंसिडर करें, अगर आप कंप्यूटर साइंस देखते हैं
कंप्यूटर साइंस का मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आपके स्क्रीन पर अभी ये देखिए, आपके स्क्रीन पर जो आएगा इसमें देखिए, जो मैंने अपने ग्रुप में जो पोल करवाया था उसमें अभी तक जो टोटल वोट पड़े हैं उसमें तकरीबन 2255 वोट हैं, और ये मेनली जितने भी जो इसमें एक्टिव थे वो क्वालिफाइड ही थे सारे के सारे, और उसमें से तकरीबन 1800 तकरीबन आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 2000 समझ के चलिए कि लोग हैं जो अपने आप क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट बता रहे हैं, और जितने कैंडिडेट ये क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, आप क्वालिफाइड इन एंड क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट वाली जो लिस्ट है उसमें 1673 हैं, तो कुल मिला के क्या कंप्यूटर साइंस में 4000 लोग क्वालिफाई किए हैं। तो इस तरह से डेटा क्लियर होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो ख़ास करके ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो टॉपर्स हैं उनको भी सामने लाया जाए, उनकी भी लिस्ट एटलीस्ट जो बनाई जाए। पिछला एसटीटी जब 2012 वाला हुआ था तो उसमें ये चीज़ हुई थी कि कंप्यूटर साइंस में जितने लोग क्वालिफाई किए थे सबकी लिस्ट बनी हुई थी, और वो लिस्ट सबने देखा भी, आप ज़्यादातर लोग जो रेगुलरली फॉलो करते हैं चैनल को, मैंने कई बार उस चीज़ को मेंशन किया है। तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि कितने कैंडिडेट हैं जो किस रेंज में स्कोर कर रहे हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर की ही बात नहीं, सभी सब्जेक्ट की यही बात है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि कहाँ पर कौन कितना स्कोर करके किस पोजीशन पर पहुँचा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी के लिए बस यही सारी बातें थी, आगे एसटीईटी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अपडेट आती है, जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, कई तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं, पर मेरे ख्याल में अभी ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन अभी रुकिए, 2-3 दिन रुकने के बाद अभी जो मैंने कहा आप 99% यही मान के चलिए वही होगा, कमेटी कह देगी कि सभी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं सबको मौका दिया जाए सातवें फेज़ में नियोजन में अप्लाई करने के लिए, और यही चीज़ होने जा रहा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। संजय कुमार का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि असली जानकारी जो है वो वहीं से आनी है, असली जानकारी वहीं से आनी है, तो उस ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी एसटीईटी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, कोई भी अपडेट आती है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसको जल्दी से जल्दी मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए यही सारी बातें थी, थैंक यू। हेलो, इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार एसटीईटी का आज दिन।